हमारे बाप दादा यही दफन हैं। हम तो अपने बाप दादा की हड्डी दिखा देंगे, तुम क्या दिखाओगे प्रूफ में? हम कब्र खोद के अपने बाप दादा की हड्डी दिखा सकते हैं प्रूफ में? ये मेरे बाप दादा की कब्र है, तुम क्या दिखाओगे? तुम बोलो आरएसएस वालों और बीजेपी वालों जो तुम इल्जाम लगाते हो मुसलमानों पे। अर्णव गोस्वामी ये पहले केस चलाए जाए कि आपने गलत न्यूज क्यों दिखाई, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग उल्टा करके क्यों दिखाया, आपने क्यों शाहीन बाग को बदनाम किया? सच बात ये, इनकी जड़ें हिली पड़ी हैं। अब ये सोचते थे कि ये मुसलमान कुछ नहीं करेगा, तीन तलाक पे कुछ नहीं किया, बाबरी मस्जिद पे कुछ नहीं किया, अब हम वो करेंगे तुम जो सोच नहीं सकते हो। जान दे देंगे, हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे, मरेंगे यहीं, जिएंगे। सारे चैनल यहाँ पे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जो वकील आए हुए थे मध्यस्थता के लिए, ठीक है, उनकी पब्लिक सारी बातें सुन रही है बढ़िया से, बहुत सही तरीके से, ठीक है। कुछ मीडिया जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, न्यूज 18 वाले अभी आ करके यहाँ पे खड़े होके और ये बोले ये उपद्रवी लोग हैं, ये आतंकवादी वाला काम कर रहे हैं, ये जो वकील आए हैं सुप्रीम कोर्ट से ये इन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताओ, बिल्कुल, अब बताओ यहाँ पे कौन किसको भगा रहा है? जब वो वहां से सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है उन्हें, तो यहाँ पे सारी आप लोग खुद देख रहे हो, ये दो तीन मीडिया वाले जो सिर्फ नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं हमारा, सिर्फ देखिए न्यूज 18 वाले एक हो गए, ठीक है, और एक रिपब्लिक भारत, अर्णव गोस्वामी और एक जी न्यूज, ये तीनों मीडिया हमारे यहाँ पे इतने बंदे हैं, ठीक है, इसमें से कोई ऐसा बंदा भी है जो कम पढ़ा लिखा है, उसके मर्ज से अगर कुछ भी निगेटिव बात निकल गई तो उसको ये हाईलाइट कर रहे हैं। और जो अच्छा यहाँ पे इतना अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे जो पब्लिक इतनी दूर, वो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील आए जो सारी बात सुनी गई, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई निगेटिव चीज नहीं, वो लोग नहीं दिखा रहे। ये इनका कहना यह था ये उपद्रवी लोग हैं, ये आतंकी लोग हैं और ये उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, और ये छुप के बात कर रहे थे, ये ऐसा नहीं कि मतलब ये सामने बात कर रहे थे और ये लाइव भी नहीं थे, ये छुप के बात कर रहे थे। देखिए क्या लिख के आ रहा है ये, अब आप ये देखिए, आप पहले ये देखो इसको एड्रेस कीजिए, आप ये क्या लिख के आ रहा है बताओ। अब आप लोग यहाँ पे हो ना, आप लोग यहाँ पे हो, आप लोग क्या यहाँ पे, आप लोग क्या लगा है बताओ पहले, आप यहाँ पे किसी धक्का मुक्की हो रही है, कोई इतने बड़े वकील यहाँ पे आए बात नहीं हो रही है, बताओ पहले। बिल्कुल ये गलत नहीं है, ये गोदी मीडिया। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ मीडिया कर्मियों से कि हमारे हिंदुस्तान की इज्जत रखो, आप इतना मत बिको कि एकदम गिर जाओ और बीजेपी के तलवे चाटो और आश्रय तलवे चाटो, इतना मत गिर जाओ, सबको लेके चलो, सबको 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 लेके चलो, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, सब हमारे देश के हैं। हिंदू मुस्लिम कर रही है, ये मीडिया का ही खेल है क्या? बिल्कुल देखिए एक चीज बताऊं आपको, जब तक के मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, जब तक के मीडिया वन साइडेड चीज करता रहेगा, तब तक जिसके दिमाग में निगेटिविटी आती है, कॉर्नर फीलिंग आ रही है, ये किसी का खेल नहीं, ये सब मीडिया का खेल है और ये सब गोदी मीडिया है, ये सब बिकी हुई मीडिया है। अभी चौधरी का वो बयान था, सुधीर चौधरी ने क्या कहा पता आपको है? सुधीर चौधरी ने बोला कि दिल्ली वाले बेवकूफ हैं, दिल्ली वाले चूतिया हैं, दिल्ली वाले पागल हैं, दिल्ली वाले देशद्रोही हैं, क्योंकि हमने वोट किया किसे? हमने वोट किया काम को, हमने वोट किया स्कूल को, हमने कॉमनों को वोट नहीं किया, हमने एक अच्छी सरकार को वोट दिया काम के लिए, इसके लिए वोट नहीं दिया कि तुम हिंदू मुस्लिम करो। उन्होंने कहा कि राष्ट्र जो भक्ति है उनको तो वोट किया ही नहीं आपने। एक बार बताओ दिल्ली के दिखाए राजभक्ति आरएसएस वालों को, हमारे पास है कितने पास है, आरएसएस के कितने बंदे ने जान दी हिंदुस्तान की, आजादी में कितनी जान दी है, एक नाम बताओ मेरे को आप, सिर्फ एक नाम। सुधीर चौधरी से मैं चैलेंज करता हूँ, अर्णव गोस्वामी से मैं चैलेंज करता हूँ, एक नाम बता दो जिस आरएसएस के बंदे ने और बीजेपी के बंदों ने एक ने भी जान दिया आजादी के लिए। मुसलमान का मैं 100 नाम गिनाऊंगा, अपने मुस्लिम हिंदू भाई का 100 नाम गिनाऊंगा मैं, जिसने आजादी में जान दी जिन्होंने। ये तो पहले अंग्रेज के तलवा चाटते थे, अब ये अंग्रेज तलवा चाटते थे, अब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हम लोग यूनाइट हैं, इनको ये खत्म करना चाह रहे हैं, आज इन्होंने क्या क्या चीज नहीं बेच दिया आप बोलो पहले। आज LIC इतनी बड़ी सरकारी संस्था, उसको इन्होंने बेच दिया। मैं
दूसरी कुत्ते कहना चाहता हूँ आपसे कि ये तीन तलाक पे कितना कुत्ते कितना भौंके ये, कितना भौंके ये हमारी माए बहन है, हमारी माए बहन है, हमारी माए बहन है, ये कौन है, ये कौन है माँ बहन, नहीं है ये जब बहन बैठी है आपका क्या फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है आप किसी मिलो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तीन तलाक में टाइम था बहुत सारा, तीन तलाक के टाइम में पास टाइम था, अभी टाइम नहीं आपके पास में। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ अपनी मीडिया कर्मियों से कि आप सच्चाई दिखाओ, झूठ मत दिखाओ, ये देश को बर्बाद मत करो, हमारा हिंदुस्तान सिर्फ एक का नहीं है, सबका हिंदुस्तान है ये, और हम लोग मरते दम तक आजादी की लड़ते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, चैलेंज है ये। जब आपकी नजर उन पर पड़ी जी न्यूज है जो भी लोग थे, तो वो क्या कौन से शब्द बोलकर इस्तेमाल कर रहे थे पब्लिक को, पब्लिक डोमेन में जो बात कर रहे थे, आप उठा अभी यहाँ पे हम लोगों ने ये, आप मीडिया वाले हो, यहाँ पे कितने बंदे हैं, मैं हूँ, यहाँ पे कितने बंदे हैं ये बताओ पहले, बहुत सारे, सबके सामने मीडिया कर्मी आते हैं ना, छुप के बात नहीं करते हैं, और हाईलाइट ये डायरेक्ट ये रिकॉर्ड करके, मैंने क्या कहा आपको, जो कुछ लोग नॉन क्वालिफाइड है बेचारे उनके मुंह से कुछ भी नहीं उल्टा निकल जाता है, ये उसको पकड़ के और उसी को हाईलाइट करते हैं ये, और ये जो अच्छाई हो रही है यहाँ पे उसको कुछ नहीं दिखाते, ये कुछ भी नहीं दिखाते, ये सिर्फ निगेटिविटी, यहाँ पे आतंकवादी बैठे हैं, आप बताओ पहले यहाँ पे 500, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ अर्णब गोस्वामी को, और एक चीज कहना चाहता हूँ मैं रिपब्लिक भारत वालों को, कि आपने दिखाया था पहले, आपने एक चीज और वीडियो लिख की थी आप लोगों के, यहाँ पे 500 रुपए लेकर के और यहाँ पे औरतें बैठी हैं, ठीक है, वो वीडियो गलत पाया गया, वो जाफराबाद में, ठीक है, यहाँ से कितना 8-10 किलोमीटर दूर, वहाँ पे वो चीज रिकॉर्डिंग की गई, और ये सारा खेल बीजेपी वालों का था, इसको बदनाम करने का, हमारे पोस्ट के बदनाम, ये बाप माँ बहन जो बैठी है यहाँ पे, ये पैसे लेके बैठी है, आप बताओ पे पैसे लेके बैठी है ये, तो अर्णब गोस्वामी ये पहले केस चलाया जाए कि आपने गलत न्यूज क्यों दिखाई, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग उठा के क्यों दिखाया, आपने क्यों शाहिन को बदनाम किया, सच बात ये इनकी जड़ें हिली पड़ी हैं अभी, अब ये सोचते थे कि ये मुसलमान कुछ नहीं करेगा, तीन तलाक पे कुछ नहीं किया, बाबरी मस्जिद पे कुछ नहीं किया, अब हम वो करेंगे तुम जो सोच नहीं सकते हो, जान दे देंगे हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे, मरेंगे यही जिएंगे, हमारे बाप दादा यही दफन है, हम तो अपने बाप दादा की हड्डी दिखा देंगे, तुम क्या दिखाओगे प्रूफ में, हम कब्र खोद के अपने बाप दादा की हड्डी दिखा सकते हैं प्रूफ में, ये मेरे बाप दादा कब्र है, तुम क्या दिखाओगे, तुम बोलो आरएसएस वालों और बीजेपी वालों जो तुम इल्जाम लगाते हो मुसलमानों पे, जय हिंद जय भारत। एक सवाल सुनिए मेरी बात, आज जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो वकील आए थे उनकी पूरी बात तो आपने सुनी होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका पूरा जो शॉर्ट पे अगर हम बात बोले तो क्या ये था कि सड़कें खाली कर दीजिए, सीधा सीधा लाइन में आप हमको बताइए। देखिए सीधी लाइन में उनका तो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ पहले, पुलिस कहाँ पे खड़ी है, ये सड़क जाम है आगे वाली, इन्होंने कहाँ जाम किया, अपोलो के पास इन्होंने जाम किया है, ठीक है, ये कालिंदी कुंज जाम किया है, हमारा कितना जाम है ये बताओ, आप खुद देखो पहले, एम्बुलेंस भी काफी बार गई, हम इमरजेंसी कोई भी व्हीकल को किसी भी व्हीकल को नहीं रोकते हम लोग, तो ये जो गोदी मीडिया है ये क्या क्या दिखाती है, आप लोग खुद देखो कि ये एम्बुलेंस नहीं, आप यहाँ पे कब से कवर कर रहे हो, आपने नहीं देखा एम्बुलेंस जाते हुए यहाँ पे, तो झूठ क्यों, वकील भी साथ मौजूद थे, बिल्कुल झूठ क्यों, फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है, सिर्फ मुस्लिम को बदनाम करने के लिए, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम बैठा हुआ है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बैठे हुए हैं, और सारे यहाँ बैठे संविधान बचाने के लिए। एक लास्ट सवाल क्या सच में करंट लगा क्या, एक बात बताओ, करंट तो उनको लगा, हमें कहाँ करंट लगा, हम तो अपनी जगह पे है, करंट तो लगा, 8 पे आ गए, 8 पे 70 जीतेंगे, 8 पे आ गए, क्या करंट तो लगा, बिल्कुल लगा, करंट तो मिशा को लगा और सही करके लगा, ऐसा करंट लगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी कि करंट किसे कहते हैं, समझे, और अब दूसरे बिहार में लगने वाला है करंट, बिहार में, बंगाल में, आप बोलिए, बोला हमारी तो सुनिए, जो
कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है, कितना बार ऐसा देखा गया है कि जब चुपके से जो नेशनल मेनस्ट्रीम मीडिया है यहाँ आकर उन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनसे सवाल करके चले जाते हैं। इससे पहले भी हुआ है, इससे पहले भी बहुत मरतबा हुआ। ये आते हैं, ये उन लोगों को पकड़ते हैं जिनसे बोलना नहीं आता, जिनको कुछ मालूम नहीं होता, ये उसी पे फोकस करते हैं बस। जो उनसे सही सवाल पूछता है उसके पास से हट जाएंगे, उससे बात करेंगे, जो जानते ही नहीं कुछ वो उल्टा सीधा बोल जाते हैं, उसी पे फोकस रखते हैं बस ये मीडिया वाले। यार इसका क्या निष्कर्ष क्या निकल सकता है, जो शाइन बाग के लोग बैठे हुए, अब वकील साहब ने कहा फिर कल आएंगे, आज भी आए कल भी आए, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। उन्होंने कहा हम कल भी आएंगे, उन्होंने देख लिया कि यहाँ पर आएंगे, ये लोग गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, उन्होंने अपनी बात रखी, जिस मकसद से आए थे वो सर्वे करके चले गए, उन्होंने देख लिया ये लोग बिल्कुल सही है, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पर कोई किसी भी कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरह की। जो मीडिया बदनाम कर रही है, रोड जाम कर रखा है, एम्बुलेंस नहीं जा रही है, और इधर से रास्ते बंद है, उधर से रास्ते बंद है, उधर यूपी पुलिस ने रोड बंद कर रखा है, इधर दिल्ली पुलिस ने रोड बंद कर रखा है, अभी आपके सामने यहाँ से कई एम्बुलेंस की कोई परेशानी हुई आपको, कोई आपने देखा कोई परेशानी हुई किसी को यहाँ पर किसी भी तरह की? फिर ये मीडिया जो है, जो मोदी मीडिया है, वो सबको बदनाम कर रही है। आप यहाँ पर बराबर आ रहे हैं, आपने देखा कि यहाँ पर किसी को कोई परेशानी, कोई गलत बात बोलिए, किसी को कोई परेशानी हुई, किसी को कोई परेशानी है, किसी को परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है काफी टाइम से, मगर ये मीडिया जो है बदनाम करने में लगी हुई है। मोदी मीडिया किस लिए बोला जा रहा है? अभी आप सबकी जितनी मीडिया थी, आप सबके सामने वाक्य हुआ, पहले तो उन्होंने बच्चे को टारगेट किया, ठीक है, बच्चे के मुंह में माइक ठूंस दिया, एनआरसी सीए एनआरपी क्या है, अब किस लिए संघर्ष करना चाहते हो? जब बड़ा बोल रहा है कि आप मेरे से सवाल करो, तो आप हमसे क्यों नहीं सवाल करते हो? मैं मौजूद था जी। उसके बाद इन्होंने कैमरा घुमाया, बोला आप देख सकते हैं कि किसी मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, सबको भगाया जा रहा है। तो मैं आपसे उससे पूछता हूँ, आपको किसी ने भगाया? जी मैं उस टाइम पे मौजूद था। और क्या क्या संबोधित किया, क्या उन्होंने किस शब्द का उन्होंने उपयोग किया? बस इतना ही शब्द था बस। अब जब हमने कहा कि आप हमसे सवाल करो, आपको किस टॉपिक पर करना है, हाँ बीच में इन्होंने कहा कि इनका एक ही सवाल था कि बीच में मीडिया का यहाँ आना बंद करवा दिया था, हमने कोई बंद नहीं करवाया था, आप बच्चों को टारगेट करोगे तो आपको हम मना करेंगे, मना इसलिए क्या था, आप यहाँ स्टेज पे आओ, यहाँ आपको जो कवरेज लेनी आप यहाँ के लो।